तो ये क्या है भैया? मलाई। कैसा मलाई? मतलब ये क्या चीज़ का मलाई? दूध। तो मेरे को थोड़ा बताओ, ये कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है? दूध से बनता है, सीख पड़ता है। किस चीज़ से बनता है? सीख 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 सीख। तो मतलब ये बहुत यूनिक सा मलाई दिख रहा है, मतलब कैसे, कब बनता है, किस चीज़ से बनता है? दूध रहता है दोनों टाइम वाला, और सीख रहता है जो पहला बच्चा देते हैं। पहला बच्चा का? हाँ। अच्छा, वही दूध से बनता है। तो ये मतलब ताज़ा, मतलब जल्दी ख़राब हो जाता होगा ना? नहीं, जल्दी नहीं ख़राब होगा, बिना फ्रिज के रहेगा 4-5 दिन, फ्रिज रहेगा तो 8-10 दिन रहेगा। बिना फ्रिज का 4-5 दिन, फ्रिज रहेगा तो 8-10 दिन। तो ये क्या दाम में आप बेचते हो इसको? ये बल्ली मलाई बोलते हैं। हाँ, बल्ली मलाई। क्या दाम में बेचते हो, क्या प्राइस रहता है इसका? ये 30 का 100 ग्राम है। 30 का 100 ग्राम रहता है? हाँ। वजन करके बेचना पड़ता है? वजन करके। 30 का 100 ग्राम तो पड़ता होता है आपको? हाँ पड़ता है। ये आप डेली कैसे जुगाड़ कर लेते हो? ये हमको मिलता है बना बनाया माल। आप तो खुद से नहीं बनाते होंगे ना? खुद तो डेली मिल जाता है ये? हाँ डेली मिल जाता है। आपका ये डेली सेल हो जाता होगा? हाँ। कितना केजी डेली आप बेचते होंगे सर? ये 12-13 किलो। 12-13 किलो। आप एक बार अपना नाम बता दो। सद्दाम हुसैन। और कहाँ पे लगाते हो एक बार बता दो, ये लोकेशन वगैरह बता दो। ये गौतम नगर से लेके दादर तक। अच्छा, तो हर दिन लगाते हो? हर दिन? हर दिन। कब, कितना बजे तक आप रहते हो? मैं रहता हूँ दिन में 3 बजे से रात 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक? हाँ। रात के 2 बजे तक? हाँ। आदमी रहता है रात के 2 बजे से? हाँ, रहते हैं ना। रात के 2 बजे कस्टमर मांगते हैं सब? हाँ। तो मतलब ये ऐसा चीज़ है कि मेरे को लगता है कि आप कहीं दूर भी लेके जा सकते हो, मतलब जैसे कोलकाता से आया हूँ तो कोलकाता लेके जा सकते हो? कहीं भी ले जाओ, जाएगा 4-5 दिन बिना फ्रिज का रहेगा। हाँ। और ये किसके ऊपर आप दोगे ऐसे हाथ में? नहीं, डब्बा आता है। दिखाओ डब्बा, दिखाओ। डब्बा है नहीं, डब्बा आपको लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब मैं अभी खाऊंगा तो किस में खाऊंगा? मैं पत्ते में दूंगा ना। ये पत्ता? हाँ। ये किस चीज़ का पत्ता रहता है? ये शूल का पत्ता है। अच्छा अच्छा, आप मेरे को लगा दो तो एकदम थोड़ा सा टेस्ट के, तो आप देख सकते हो ये हम लोग का क्या मलाई है। क्या मलाई बोलते हैं इसको? ये मलाई बोलते हैं। मतलब क्या मलाई बोले आप? बल्ली मलाई। बल्ली मलाई आप देख सकते हो, ये बल्ली मलाई मेरे को बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाई मुंबई का स्ट्रीट पर, और इसको वजन करके दिया जाता है। तो कितना वजन है इसका? ये 30 का 100 ग्राम। 30 का 100 ग्राम? तो मैं भी 100 ग्राम, आपने वो 100 ग्राम दे रहे हो? हाँ, 100 ग्राम। तो आप देख सकते हो 100 ग्राम मैंने ले लिया 30 रुपये का। और ये पत्ता के ऊपर भैया सर्व करते हैं इसको, बहुत ही अच्छे तरह से काट के भैया लगाए। और शायद बर्फ़ है क्या ये? नहीं, बर्फ़ इधर है। अच्छा, बर्फ़ के ऊपर भैया रखते डिस्प्ले के लिए अच्छा से। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक डिस्प्ले ठेला पे भैया बेचते हैं। आप देख सकते हो एकदम छोटा सा डिस्प्ले, मतलब एक ठेला पे भैया अच्छा से अपना सजा के भैया बेचते हैं 30 रुपये में 100 ग्राम। तो बहुत ही यूनिक है, मेरे को बस मेरे को अभी तक कहीं दिखा नहीं, मेरे को बहुत यूनिक चीज़ें मुंबई में दिखा। बल्ली मलाई इसको बोलते हैं, जो गाय का पहला बच्चा ना? हाँ, गाय का पहला बच्चा। गाय का जो पहला बच्चा था उसी का दूध से बनता है, तो आप देख सकते हो। तो उसको मैं एक बार ट्राई करके आपको टेस्ट बता रहा हूँ। ये मतलब मीठा होता है क्या? बहुत बहुत मीठा होता है क्या? मीठा ठंडा रहेगा। हाँ, मीठा भी रहता है ठंडा भी रहता है। तो जो डायबिटीज पेशेंट है वो खा पाएंगे? बहुत ज़्यादा? हाँ। मीठा होता है कि हल्का मीठा? नहीं, मीठा होता है। मीठा होता है, तो मैं इसके ऊपर ट्राई करके आपको बताता हूँ कि कितना मीठा होता है। शुगर पेशेंट खा पाएंगे कि नहीं? थोड़ा मीठा होता है तो एक बार ट्राई करते। बहुत ही अच्छा, बहुत सब डेजर्ट आइटम है, और बहुत फ्रेश मलाई एकदम फ्रेश है ना भैया? हाँ, फ्रेश एकदम फ्रेश मलाई है। तो इसमें टेस्ट करता हूँ, आपको टेस्ट बताता हूँ। तो आप देख सकते हो इनका बल्ली मलाई 30 का 100 ग्राम, इसको मैं टेस्ट करता हूँ कैसा है, आपको टेस्ट बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। तो देख सकते हो बहुत ही फ्रेश और एकदम ठंडा है, एकदम फ्रेश मलाई है। गाय का जो पहला बच्चा होता है उसी का दूध से मलाई बनता है। और देखता हूँ मैं उसको टेस्ट करके, डेजर्ट में बोल सकते हो फ्रेश मलाई का टेस्ट करता हूँ इसको। भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा मीठा है, ऐसा नहीं कि हल्का मीठा है, मीठा है। डायबिटीज अगर पेशेंट खाए तो थोड़ा सा खाएंगे तो कभी ठीक है। ये मीठा है और बहुत ही फ्रेश है, एकदम ठंडा है, बहुत ही फ्रेश है। बहुत मेरे को अच्छा लगा ये वाला उनका मलाई, बल्ली मलाई। और ये मेरे को बहुत यूनिक चीज़ का, और मैं ऐसा सुनता हूँ कि मुंबई में आपको बहुत जगह ऐसा स्ट्रीट आपको मिलेगा ऐसा स्ट्रीट पे ये मलाई बेचते हुए, और बहुत सारा कलर में होता है इनके पास। ये बस क्रीम कलर में है और बस बहुत सारा कलर होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। डेजर्ट अगर आपको पसंद है, आपको मीठा पसंद है, अगर आपको कभी मुंबई का स्ट्रीट में ये सब दिखे आप ट्राई कर सकते हो। बहुत फ्रेश मलाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, बहुत अच्छा है, और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वीडियो लेके। अगर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैं आप लोग सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वीडियो लेके। तो बाय, टेक केयर।